अब बताओ क्या क्या समस्या है बताओ। ये चक्कर रोड बंद है, ये चक्कर रोड है, ये चक्कर रोड है, ये अखिलेश ने चक्कर रोड लो जो ये खेतन वाले सब परेशान है। अब तक ये खेत में मिल करते बिनने बिना कर दई कि अपने चक्कर रोड खुलवाओ। चक्कर रोड बिनने जोत लो, चक्कर रोड खुले कहां से? चक्रोट, ये चक्रोट है, ये चक्रोट नक्शा में लेखपाल कह रहा हूं चक्रोट है। लेखपाल ने जांच की है, तीन बार पैर मास कर चुका हो जाती। अच्छा, एसडीएम आओ, एसडीएम फेल कर गए, एसडीएम फेल कर दिया, एसडीएम फेल कर दिया। लेखपाल मैं जी कह रहा हूं चक्रोट है। तो ये रास्ता है, हां ये रास्ता नक्शा में चक्रोट है। अच्छा, इधर हुआ अभी, इधर ये दोनों तरफ खेत है, रास्ता पिछले छोड़ा है, इधर उनको एक है खेत है, पिछले मैंने ये सब जोत लो। तो ये रास्ता दिखाओ कहाँ पे, ये रास्ता इधर तक है देखो, ये रास्ते ही है, ये चक्कर रोड है, ये जी घास खड़ी सब रास्ते खड़ी, जूम आउट करो, ये घास खड़ी है, ये रास्ते में ही है। हाँ, रास्ते में खड़ी है, ये रास्ता है, ये रास्ता जी, ये रास्ता ही चल रही है, ये रास्ता चल रही है। अब ये चालू हो तो ये खत्म हो, ये सब रास्ता, ये रास्ता है, ये जो ये घास खड़ी हुई है सब रास्ता है। हाँ, ये रास्ता है, सब घास खड़ी हुई है, खड़ी है, इनका दोनों तरफ के खेत है, इनको अखिलेश निकल ले होता तब जल जो लोग। अच्छा, ये खेत के बीच में से रास्ता है, खेत के बीच में से रास्ता, इधर भी हम लोगों के खेत है, इधर अखिलेश के खेत है। तो ये गांव की तरफ जाती होगी रास्ता, गांव की तरफ से आई है, उधर से आई है सर, गांव की उधर से आई, गांव की तरफ से, यहां से निकल के गई वहां तक। अच्छा, ना ना रहने दो ना, वीडियो मांग दो ना सब, ये खेत क्या बता साहब, फिर कैसे हो, चक्कर रोड बन गए, फिर कैसे होंगे? हां, अभी तो निकल रहे हैं, अब आगे जो फसल हो जाएगी तो कैसे निकलेंगे, अभी खाली खेत तो निकल रहे हैं हम लोग, ये रास्ता है। हाँ, ये रास्ता है, ये हमारा खेत है, ये वाला। अच्छा, ये वाला, ये रास्ता नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ दी थी, पानी उनी की कहाँ से ला, इंजन आ नहीं करता, ये कौन सा गांव है? खुर्द। तो ये रास्ता, ये मेन रास्ता है। अच्छा, ये यहाँ पे आके खत्म हो गई रास्ता क्या? ये जहाँ चलना है वो रास्ता है। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे बंद है, यहीं तक आई खेत के लिए, अब आगे नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? उमेश नाम है सर। कहाँ रहते हैं? खुद रहते हैं। थाना? थाना फरीदपुर। तो ये जगह जो रास्ते है, रास्ते को लेकर क्या विवाद है? रास्ता ये सरकारी नक्शा में सरकारी चक्र रोड है, और ये अखिलेश ने इधर खेतन में जोत लिया, आगे लोगों ने इनने खेत बेच लिया, उसने मकान बन गए, तो भी मकान बारे नल करन दे रहे हैं। अच्छा, सरकारी खरंजा पड़ो है, सरकारी नल है, सरकारी बत्ती खुम्मा गड़े हैं। तो कौन निकलने नहीं दे रहा? गाँव के जो लोग रह रहे हैं वो। क्या नाम है? नाम बिजपाल सुखपाल। अच्छा, ये लोग निकलने नहीं दे रहे हैं? ये निकलने नहीं दे रहे हैं, रास्ता बंद कर रहे हैं, रास्ता बंद कर रहे हैं। अच्छा, तो आप इस संबंध में किसी अधिकारी पास शिकायत की? अधिकारी पास गई। हाँ, सबसे पहले थाने गए। हाँ, थाने से चौकी आई, एसडीएम के पास पांच बार गए, पांचवी बार में हम और विश्राम एसडीएम साहब को लिवा के लाए, तो एसडीएम साहब ने देखा खरंजा, तो मना कर दिया कि ये रास्ता प्राइवेट हो गई, सरकारी खरंजा, सरकारी नल सब कुछ, एसडीएम ने मना कर दिया कि ये प्राइवेट हो गई, हम ये रास्ता ना देख पाएंगे। और लेखपाल ने करी जांच? लेखपाल कह रहा मैं जी डी पे नक्शा में है, हल्के हिन पे नक्शा में हाथ धर के बता रहा हूँ कि हिन पे हर के खड़े हो। अच्छा, क्या बता रहा है कि सरकारी साहब तो कहते हैं कि सरकारी खरंजा है, सरकारी रास्ता है। अच्छा, आपका नाम क्या है? विश्राम। तो ये क्या है रास्ते को लेकर विवाद क्या? नमस्कार, मैं अब्दे शर्मा, बरेली ब्यूरो चीफ, आर जी न्यूज चैनल
से हूँ मैं, और मैं आज पहुँचा हूँ ग्राम खुर्द और थाना ये फरीदपुर पड़ता है इस क्षेत्र का और चौकी पड़ती है दुरनिया। तो ये एक मामला है गांव का, जो एक चक्रोड है सरकारी ज़मीन, जो जो कि ये गांव की ज़मीन है और इसके साइड से ये खेत हैं सामने, दिखाना चाहूँगा आप कैमरे के माध्यम दिखाई जरा, साइडों से खेत हैं और बाकी ये रास्ता है, आम रास्ता है गांव की, जो कि रास्ता अंदर गांव में मिलती है जाके, गांव के अंदर जाती है रास्ता ये, और ये रास्ता कुछ लोग हैं जो हैं यहाँ के गांव के दबंग, जो कि अखिलेश सनाफ राजेश्वर, मलखान सिंह, ब्रजपाल, सुखपाल, राजपाल और फूल सिंह, ये सब हैं, ये रास्ते को बंद कर रहे हैं और बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं आपको आगे भी ले चलता हूँ इसी रास्ते पे, और काफ़ी यहाँ पर ग्रामवासी भी लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं गांव के, और इस इन लोगों से बड़े परेशान हैं। देखिए ये रास्ता दिखाना चाहूँगा मैं आपको, ये रास्ता है गांव की तरफ ही बढ़ता है, अंदर को गांव की तरफ जाता है ये, और इसमें लेखपाल जो हैं ये आए थे अजीत सिंह, जो यहाँ की उन्होंने जाँच की थी, तो ये सरकारी जगह दिखाई गई थी, चक्रोड रास्ता था, आम रास्ता अच्छा, लेकिन जो यहाँ के बड़े अधिकारी हैं जो फरीदपुर बैठते हैं एसडीएम साहब ने इस रास्ते को प्राइवेट घोषित कर दिया इस रास्ते को, और ये रास्ता सरकारी है, लेखपाल ने जांच की थी लेकिन इस रास्ते को उन्होंने प्राइवेट घोषित किया है। अधिकारियों का कितना बड़ा गोलमाल चल रहा है, देखिए सरकारी ज़मीन पर भी बहुत बुरा हाल है, और सरकारी ज़मीन प्राइवेट बता रहे हैं, और मैं दिखाना चाहूँगा, ये आप दिखाइए इस कैमरे के माध्यम से, ये रास्ता अंदर जाता है और गाँव की तरफ मुड़ता है ये रास्ता, लेकिन कुछ मैंने नाम बताए थे अभी कि यहाँ पे कुछ लोगों ने इस रास्ते को बंद कर रखा है, और ये रास्ता गाँव की तरफ जाता है, और साइडों से इसमें खेती बाड़ी है, खेत हैं, अब जब किसान खेती करता है तो किसान की खेती का जो अनाज पैदा होता है तो वो किधर से लाएगा, क्योंकि यहाँ रास्ता बंद है, अब उसको किसानों को बहुत दिक्कत होती होगी, वो राशन निकालेगा कैसे निकालेगा, गेहूँ है, चावल हैं, सब्जियाँ हैं, तो वो कैसे यहाँ से, वो तो रास्ते मिलाएगा, लेकिन रास्ता यहाँ कुछ लोगों ने बंद कर रखा है, सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, और ये बहुत ही बुरा हाल है, अधिकारियों गोलमाल है। मैं यहाँ पर पहुँचा था, मैंने पूरा सर्वे किया है, और सब ग्रामवासियों ने यही बताया है कि ये चक्रोड है और आम रास्ता है। मैं दिखाना चाहूँगा कि गाँव की तरफ, कैमरा दिखाइए जरा, ये रास्ता देखिए सामने निकलता है गांव की तरफ, देखिए कैमरे के माध्यम से आप दिखा, मैं दिखाना चाहूंगा आपको, और ये देखिए साइडों से ये खेत है, ये रास्ते में चल रहे हैं, देखिए रास्ता है ये, और दोनों तरफ खेत हैं, और खेत यहाँ खेती होती है, देखिए ये दोनों तरफ खेत हैं, और ये अखिलेश के खेत हैं, ये दोनों तरफ देखिए अखिलेश के खेत हैं, और ये रास्ता है, ये सरकारी रास्ता है, आम रास्ता है, गांव की तरफ निकलता है ये रास्ता, लेकिन ये आगे अब मैं दिखाना चाहूँगा आपको कैमरे के माध्यम से कि ये रास्ता बंद कर रखा है, और बड़ी दिक्कत हो रही है ग्रामवासियों को, ये देखिए रास्ता बंद है यहाँ से, ये भी इस तरफ भी खेत है, इधर भी खेत है, एक मिनट मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए ये इधर खेत है, और इधर भी खेत है, लेकिन अधिकारियों को चौकी के कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुँचता है, और ये सरकारी जगह है सरकारी, अपने सरकार कब्जे में ले, लेकिन नहीं, अधिकारी सब गोलमाल हो रहा है, एसडीएम भी आए थे, एसडीएम साहब भी यहाँ जांच करके पहुँचे थे, लेकिन एसडीएम साहब ने भी कुछ इसमें किया नहीं है। दिखाना चाहूँगा ये गेट है सामने, ये बंद है भूला गेट, देखिए पूरा दिखाइए कैमरे के माध्यम से, और मैं यही चाहता हूँ, मैं अपील करता हूँ कि ये जो रास्ता है गांव का रास्ता है, इसको खोला जाए, अधिकारियों से मैं अपील करता हूँ, इसकी जांच होनी चाहिए, सर्वे होना चाहिए, इसका जांच पूर्ण तौर से होनी चाहिए। मैं अवधेश शर्मा, बरेली बेरो चीफ, आरजी न्यूज़ चैनल के लिए। ये देखिए ये मेन रास्ता है, ये हाईवे से
और अंदर आती है रोड हाईवे से। ये देखिए हाईवे से आती है ये रोड, सामने से निकलती है, दिखाना चाहूँगा कैमरे के माध्यम से। और ये सीधे अंदर गांव खरंजा गया है अंदर, और वही रास्ता आगे से मुड़ गई है, दिखाना चाहूँगा आगे से बढ़ के। नाम है आपका? नाम रामवीर है। रामवीर, कहाँ रहते हैं आप? खुर्द। खुर्द, तो ये क्या मामला है रास्ते को लेकर? इसमें साहब कोई रास्ता नहीं है। सन 1993 में हमने मकान बनवाया था, उसका गेट लगा हुआ और रास्ता है अंत पर अपनी नबत करवा लें। नक्शेब है अंत रास्ता। अच्छा, इसमें मांग रहे हैं जबरदस्ती साहब। अच्छा, ऐसी बात है। तो डीएम साहब आए यहाँ, उनने चेक देखा था कि यहाँ कोई मुआयना करके बोले यहाँ कोई रास्ता नहीं है, अंत जहाँ कहीं है तहाँ ले लें। तो जो पीछे जो है चक्रोड है, वो चक्रोड पीछे साहब हमने कभी देखा ही नहीं। अच्छा, कभी तो है नहीं वहाँ पर कोई, वहाँ कोई चक्रोड नहीं है, सरकारी जमीन नहीं, कोई सरकारी जगह नहीं है। अच्छा, हमने हमने साहब कभी देखा ही नहीं। लेकिन लेखपाल तो कह रहे हैं कि है। लेखपाल कह रहे हैं तो अपने नक्शा में जहाँ है तहाँ देखो, हमने देखो ही ना, कहूँ नक्शा के साथ कहाँ हो पहले रास्ता ना चले। लेखपाल की रिपोर्ट झूठी है। लेखपाल जाना भैया, हमने रास्ता ना देखी हम कैसे कहते। अच्छा, आपकी निगाह में नहीं है लेकिन लेखपाल, लेखपाल आपके लेकर तो अपनी नपाल ने बस तपा सीधी बात है। मतलब आपका कहने का मतलब है अगर निकलती है तो आप नपालो, नहीं है तो मतलब ठीक नपवा।